नमो नारायण मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का विधान भी है, परंतु क्या और कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, जानकारी देने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, माता का आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, मंगलवार, शनिवार और रविवार इन तीनों दिन आपको झाड़ू बिल्कुल नहीं खरीदनी है। धनतेरस के अलावा दिवाली के दिन भी झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है। लक्ष्मी जी की पूजा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सब धनतेरस के दिन खरीदने का विधान है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति भी धनतेरस के दिन खरीदने का विधान है। अगर आपके घर मूर्ति स्थापित होती है तो धनतेरस के दिन ही खरीदें, या फिर तस्वीर खरीदनी है तो भी धनतेरस के दिन खरीदें। अगर आप गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान की तस्वीर या मूर्ति भी अपने पास रखें, क्योंकि बिना भगवान विष्णु के माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं झाड़ू की। इस दिन झाड़ू ही नहीं, नमक, हल्दी और धनिया, इनका भी बहुत महत्व है। मित्रों, वैसे तो धनतेरस के दिन बहुत सी चीज़ों का महत्व होता है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, परंतु हम आपको यहाँ बता रहे हैं झाड़ू के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, धनतेरस शुक्रवार के दिन है। हालांकि धनतेरस की तिथि शनिवार के दिन भी 2:30 बजे तक रहेगी। ऐसे में आप शनिवार के दिन झाड़ू ना लाकर शुक्रवार के दिन ही झाड़ू ले आएं, और झाड़ू पर शाम के समय 7 और 8 के बीच झाड़ू का जो हैंडल होता है वहाँ एक सफ़ेद धागा बांध दें और थोड़े से कुमकुम अक्षर से पूजा करें। परंतु याद रखिएगा, इस दिन अगर आप घर की साफ सफाई करते हैं तो आपके घर जो पुरानी झाड़ू है उसी का इस्तेमाल करें, और कभी भी झाड़ू को खुले आसमान के नीचे ना रखें। मित्रों, हमेशा ही झाड़ू को ढककर और छुपाकर रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा वहाँ रखें जहाँ आपकी नज़र ना पहुँचे या किसी की नज़र ना पहुँचे। झाड़ू को कभी भी अपने बेड के नीचे ना रखें, इससे पति पत्नी के रिश्ते में तनाव उत्पन्न होता है। एक बात और, जब आप झाड़ू से साफ सफाई कर लें तो उसे गंदा ना छोड़ें, उसे अच्छी तरह धोकर साफ करके उसे उसकी जगह पर रख दें। मित्रों, जैसा कि हमने बताया है, झाड़ू में आपको धागा बांधना है, और इस झाड़ू से आपको दीपावली के दिन सुबह घर की साफ सफाई करनी है। मित्रों, झाड़ू कभी भी जोड़े के रूप में ना खरीदें, 2, 4, 6 या 8, 1, 3 या 5, इन्हीं संख्या में झाड़ू खरीदनी चाहिए। अगर आप झाड़ू मंदिर में दान करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू बिल्कुल दान ना करें। इसके लिए आप एक दिन पहले झाड़ू खरीद लें, और जब झाड़ू मंदिर में दान देंगे तो दीपावली के दिन प्रातःकाल उठकर मंदिर में जाना है, और भगवान को प्रणाम करके चुपचाप झाड़ू मंदिर में रख दें। उसके बाद पीछे मुड़कर ना देखें और चुपचाप वापस चले आएं। मित्रों, ऐसा करने से जीवन की आधी परेशानियां तो आप यूं ही ख़त्म कर देंगे, और जो झाड़ू आपने घर के लिए खरीदी थी उसकी शुरुआत आप दीपावली के सुबह से करें। पूरे घर में झाड़ू लगाएं, आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी और नकारात्मकता दूर होगी। मित्रों, मैं आशा करता हूं जानकारी आपके काम आएगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।